तो बस ये है पल्सर 150 का पूरा टी असेंबली, से हम असेंबल करेंगे बजाज बॉक्सर में, क्योंकि हमको फ्रंट में डिस्क करना है। तो हम पल्सर 150 का पूरा किट कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्या क्या चीज़ आपको रहेगा, क्या क्या चीज़ बॉक्सर का ही लग जाएगा, वो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और इसका इस वीडियो में पूरा फिटिंग करके दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका पल्सर 150 का पूरा टी, पल्सर 180 ले सकते हो, 220 का भी ले सकते हो, पूरा आपका टी लेना पड़ेगा। और ये गाइस है, क्योंकि मैं इसमें क्लिप ऑन हैंडल कर रहा हूँ, तो UG4 में जैसा पल्सर में आता है, तो आपको पूरा ऊपर का टी लेना पड़ेगा और नीचे का ये टी, और ऊपर में जो क्लिपॉन्स आते हैं उसके क्लैंप लेना पड़ेगा। यहाँ पे अटैच है 6 नंबर के एलिंग की बोल्ट से, ये खुल जाता है, इसको हम खोल के भी दिखाएंगे। तो ये आपको लेना पड़ेगा। दूसरा चीज़ ये है गाइस, बजाज बॉक्सर का ही आपका लॉक सिस्टम, आप पल्सर का भी लगा सकते हो, बट पल्सर का अगर नहीं मिलते हैं, बजाज बॉक्सर का यहाँ पर ईजिली फिटिंग हो जाता है। इस तरीके से आपका फिटिंग करोगे तो ये बिल्कुल गैप टू गैप मिल जाता है। तो आप बजाज बॉक्सर का जो सिटी 100 का जो लॉक सिस्टम आता है, वो इसमें इस टी में डायरेक्ट फिटिंग है, कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं। रेसर मैंने परचेस किया है, मैं बता दूँ पल्सर 150 का और बजाज बॉक्सर का टी, अब रेसर बोल सकते हो, कौन सेट बोल सकते हो, वो बिल्कुल सेम होता है। प्राइस देख सकते हो, मैं आपको अगर दिखाऊँ 264, आपको 250 250 में अंदर आपको मिल जाएगा डिस्काउंट करके। तो इसका टी पूरा एज इट इज़ सेम है, पल्सर 150 का जो रेसर किट बोल सकते हो, तो बजाज बॉक्सर का और पल्सर 150 का लग जाएगा इसमें, क्योंकि सेम होता है। तो चलिए इसको मैं दिखाता हूँ कैसे इसमें टी कौन सेट बिठाते हैं। कौन सेट के ऊपर वीडियो मैंने बनाई है, बट स्टिल इस वीडियो में हम बिठा कर दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है। और उसके बाद शॉकर का भी फिटिंग होने वाला है इस वीडियो में, तो वीडियो को इंटरेस्टिंग भाई बने रहो, नॉलेज मैं आपको भरपूर दूंगा। इस वीडियो में हम ये वाला जो ग्रीस है कंपनी से, इसी का यूज़ करने वाले हैं, कोई एक्स्ट्रा ग्रीस नहीं यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये छर्रा यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने दिया हुआ है। और ये आपका कौन सेट, तो चलिए ओपन कर लेते हैं, देखते हैं कितना कौन सेट मिलता है यहाँ पे। और मॉडिफिकेशन का अगर आप कर रहे हो घर पे, तो ये वाला वीडियो देखो प्रॉपर। आप किसी बाइक में डिस्क ब्रेक सिस्टम कर सकते हो, क्या क्या चीज़ आपको चाहिए। देखो ये आपका एक कौन सेट, ये दो और तीन, ये आपका देख सकते हैं ये होल ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसीलिए फिटिंग हो जाएगा। और यहाँ पे जो सरफेस, इसको आपको अच्छे से क्लीन करना है, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। और यहाँ पे ये अटक जाएगा, क्योंकि अगर आप इसमें हथौड़ा मारेंगे तो ही ये जाएगा, अदरवाइज। और यहाँ पे सरफेस में देख सकते हो चिकना सरफेस है, इसमें हथौड़ा ना मारे दिक्कत होगी, इस बीट में हथौड़ा मारना पड़ेगा, जो मैं आपको दिखाऊंगा। टिपटे का इसमें पुराना था, तो आपको इसको उल्टा करना है, इसी से ये ठोका जाएगा। देखो तो मैं इसके ऊपर रख देता हूँ, देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे ठोकूंगा ना, तो यहाँ पे एज टू एज मिल रहा है, मतलब इसमें सरफेस में कोई टच नहीं होगा और एक प्रेशर से नीचे बैठ जाएगा। देखो इसमें गैप है, तो इस गैप को फिल करना है। तो चलिए इसको मैंने जो उल्टा करके हमने इसके ऊपर लगा दिया है, और इस सरफेस पे आपको हथौड़ा मारना है अच्छे, मतलब धीरे धीरे, बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं करना है गाइस। देखो इसको आपको पकड़ना है और इसमें हल्का हल्का हथौड़ा मारना है, मतलब ये बैठ गया है। देखो हमने कोई भी जबरदस्ती नहीं किया, जस्ट ठोका है हल्के तरीके से, और देखो गाइस ये बैठ गया है पूरी तरीके से, पूरी तरीके से। और जब आप ठोकेंगे ना, तो हार्ड टाइप का साउंड आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये बैठ गया है, बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ गया है। देख सकते हैं गाइस, ये वाला आपका ग्रीस, यही हम ग्रीस यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लीन करके सरफेस और इसमें ग्रीसिंग कर देना है। जितना आप इस काम को अच्छी तरीके से करेंगे, तो आपको उतना अच्छी तरीके से आपका हैंडल, मतलब चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। सबको निकालने की ज़रूरत नहीं, कुछ बॉल आप पैकेट में छोड़ दीजिए, और जो भी बॉल है आपको हाथ में लेना है, एक हाथ में, और एक हाथ से इसको बिठाते जाना है। और इसमें अगर मैं और एक करूं, मेरे हिसाब से और एक बॉल इसमें बैठना चाहिए। देखो पूरा प्रॉपर है,
इसमें और एक इसके तो छल्ले के लिए जगह है, तो अगर आप और एक छल्ले का जगह है यही गलती कर तो आप इसमें गैप नहीं छोड़ते, पर इससे घुसाओ तो दूसरा वाला जो छर्रा है वो अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा। तो इसमें एक ट्रिक है, एक जो छर्रे का जितना गैप इसमें होगा, अगर आप ये गैप नहीं दोगे तो आपका हैंडल हमेशा जाम चलेगा। उसके लिए हमको क्या करना है, देख सकते एक छोटा सा गैप बचा है तो इसमें ही हमको छोटा छोटा करके अलाइन कर देना है, क्योंकि इसमें इसको घूमने के लिए वन टाइप ऑफ बियरिंग है, इसको घूमने के लिए आपको जगा देना पड़ेगा। तो वैसे ये है बजाज बॉक्सर का पूरा असेंबली, इसको हमने इस जो लेयर है इसको अब अच्छी तरह से क्लीन करना है और इसमें कोई भी ग्रीसिंग का यूज़ नहीं करना है इस पोर्शन में। अब जो ऊपर और नीचे वाला भी सेम है, इसको आपको क्लीन करना है, जस्ट क्लीन करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब ये वाला जो कोन है इसको आपको इसमें बिठाना है, हथौड़ा मारेंगे तो चला जाएगा धीरे से, हल्का सा हथौड़ा मारना है, हल्का हल्का करें। पुराना वाला कौन सेट है उसको आपको यहाँ फिटिंग करना है, जस्ट यहाँ फिटिंग कर दीजिए, बिल्कुल सेम है। अब इसके अब ऊपर हथौड़ा मारेंगे तो ये वाला जो अंदर का सरफेस है चिकना सरफेस उसमें कुछ होगा नहीं और ये अंदर चला जाएगा, प्रॉपर ऐसे चला गया है। अब गाइस नीचे वाला जो कौन सेट है ये सेम, इसको इस तरीके से बिठाना है। तो कौन से इंस्टॉलेशन कंप्लीट। अब इसके ऊपर जो ग्रीसिंग है यहाँ पे हम करेंगे, ध्यान से देखो आपको मज़ा आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह ग्रीस, इस सरफेस को अच्छी तरीके से क्लीन करना है और इसमें ग्रीस अप्लाई करना है। और गाइस देखो यहाँ पे अगर आप इसको पास पास बिठाते हैं तो और भी एक गैप छर्रे जैसा है, हम देखो यहाँ पे गैप है ना, तो इस गैप को फिल नहीं करना है, यही मैं बोल रहा था, छोड़ दीजिए इस गैप को और इसी गैप को इस जो भी छर्रा है इसको आप अलाइनमेंट कर दीजिए, क्योंकि गैप अगर नहीं मिलेगा तो ये प्रॉपर काम नहीं करेगा। अब इसमें चलिए हैंडल इंस्टॉल करते हैं, जो आपका टी बोलते हैं, यह है नीचे बिठा दिया, इसमें नीचे भी आपको ग्रीसिंग करना है, मैं उतनी अच्छी तरह से आपको दिखा नहीं पा रहा बट जितना हो सका आप देख लो भाई। कहीं पे आपको सावधानी बरतना है, बिल्कुल बीच से निकालना है। और इसके ऊपर ये वाला कैप लगा दीजिए और इसमें थोड़ा टाइट जाएगा क्योंकि ये पल्सर का टी है, बॉक्सर का हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं तो हल्का सा टाइट जाएगा, बट कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे हल्का हथौड़ा मारना है। कैप पर जो टी आता लॉक आता है सब लगा दीजिए, अब भी थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब ये हैंडल नहीं निकलेगा, देखो अब इसमें थोड़ा सा गैप बचेगा, मैं बोल रहा हूँ पहले से आपको, और भी थोड़ा सा हथौड़ा मारना है, बिल्कुल हल्का मैं आपको दिखाऊंगा, चलिए आप देख लेते हैं। ये देखो बिल्कुल स्मूथ हो गया, अब इसमें प्ले चेक करना पड़ेगा, ऊपर नीचे प्ले नहीं होना चाहिए। हाँ इसमें देखो प्ले है, तो हमको क्या करना है, ये जो देख रहे हैं ये वाला हिस्सा इसको आपको और थोड़ा सा हथौड़ा मारना पड़ेगा। देखो ये वाला हिस्सा लूज हो गया, तो इसको हम और टाइट करना है।
मतलब ये पूरा नीचे गया है। अब चेक करते हैं, स्मूथ है ऊपर नीचे प्ले, हल्का सा है, टाइट करते हैं इसको। अब चेक करते हैं, हाँ स्मूथ है ऊपर नीचे प्ले गाइस, बिल्कुल मिनिमम है। इसको हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा टाइट करना है। मैं यहाँ पे हथौड़ा का यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर ठोक रहा हूँ इस तरीके से, बस हैंडल स्मूथ है। अब प्ले चेक कर दो ऊपर नीचे, मतलब इसमें पकड़ना है और ऊपर नीचे आगे पीछे हिलाना है गाइस। बिल्कुल भी प्ले नहीं है जो प्ले पहले था, क्योंकि ये कौन से इसमें नहीं बैठ रहा था, अभी अच्छी तरह से बैठ गया है और ये बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ है। इसके ऊपर एक डस्ट कवर आधा ही लगाना, मैं भूल गया था, इसको मैं फिर से ओपन कर रहा हूँ। और डस्ट कवर लगाने से पहले आप भी भूल मत जाना, मैं जब भूल गया था मुझे फिर से ओपन करना पड़ा। जस्ट कुछ नहीं करना है, ये नट को ओपन करने से हो जाएगा। और डस्ट कवर को भी आप ग्रीसिंग कर लीजिए इस तरीके से, हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में डस्ट अगर ना जाए इसलिए डस्ट कवर दिया रहता है। और इस डस्ट कवर को जस्ट इस तरीके से प्लेस करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, बस अब नट टाइट कर दीजिए। हो गया है, देखो अपने हिसाब से आप अलाइन कर सकते हो। अगर नीचे ऊपर नीचे हल्का सा प्ले है तो इस नट को आप हल्का सा टाइट कर लीजिए। ज़्यादा टाइट करोगे क्या होगा, आपका हैंडल जाम हो, ये वाला इससे जाम हो जाएगा, स्मूथ है ना, ये जाम हो जाएगा। देखो अभी स्मूथ है और ऊपर नीचे प्ले नहीं है गाइस, बिल्कुल स्मूथ है। तो इस तरीके से आप किसी बाइक का कौन सेट इसमें बिठा सकते हैं। मैंने तो पल्सर 150 के इसमें बिठाया मॉडिफिकेशन के लिए, डिस्क करना है। तो अब इसका अपर टी हम लगाएंगे और कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट।